हाँ तो बच्चों, पिछले हफ्ते मैंने टेंस पढ़ाए थे। किस किस को आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर मैं बताऊंगा। कौन बोला? इसकी थी सर। अच्छा बेटे रौनक, तुझे आते हैं? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नहीं सर, मेरी आवाज नहीं थी। कोई बात नहीं, तूने नहीं बोला, पढ़ाया तो मैंने पूरी क्लास को था। तू सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। खड़ा हो, खड़ा हो। चल बता। सर मुझे तो आता ही नहीं, और मैंने तो बोला भी नहीं था कि मैं बताऊंगा। किसने बोला था? तुझे नहीं आता? पिछले हफ्ते ही पढ़ाया था। स्कूल में क्या करने आता है? सर पढ़ने है? तो पिछले हफ्ते पढ़ाया था, तेरे को याद नहीं अभी तक? कल मुझे पूरा याद चाहिए। अगर याद नहीं किया ना, ऐसा मारूं नाक से रीट की जगह खून गिरेंगे। समझ गया ना? ठीक है सर। बेकार बच्चा, मैं सोचा सबसे इंटेलिजेंट होगा स्कूल में, सबसे निकम्मा बच्चा है। भाई पढ़ लिया अगर पता रहे नहीं मोटा। देखियो तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए, क्या बोला तू? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, पढ़ूंगा मैं। हाँ पढ़ ले। ओए, तूने पबजी का अपडेट डाउनलोड कर लिया नए वाला? हाँ भाई, मैंने तो कल ही डाउनलोड कर लिया था। ना बढ़िया अपडेट है ना यार। हो, तुम दोनों भी पबजी खेलते हो यार, मुझे भी ले लो अपने स्क्वाड में। सॉरी, हम अपने स्क्वाड में लड़कियों को इनवाइट नहीं करते। तो तुम कैसे हो उसमें? हम तो लड़के हैं ना। हाँ अच्छा, तो भाई मैं तो लड़का हूँ ना, मुझे ले लो अपनी टीम में। मुझे तो पता ही नहीं था तुम दोनों पबजी खेलते हो। भाई तू पबजी भी खेलता है? अरे हाँ भाई, मैं भी खेलता हूँ। अच्छा, कीपैड वाले फोन में पबजी खेलता है? बटन वाले से क्या मतलब है? मेरे पास फोन है, उसमें खेलता हूँ बड़े फोन में। लड़की का क्या हवाबाजी काट रहा है ना। सच बता, देख तेरे पास कीपैड वाला ही फोन है? कीपैड का फोन नहीं है, आईफोन है, आईफोन समझा, उसमें खेलता हूँ। आईफोन? अरे वो तो तेरी मम्मी का फोन है ना। हाँ तो मम्मी भी मेरी है ना, तो फोन भी मेरा ही हुआ ना, उसमें खेलता हूँ। मम्मी के फोन की चोड़ काट रहा है, मेरे पास अपना खुद का पर्सनल आईफोन है। अब पर्सनल फोन के इसे फायदे क्या पता, किसी टाइम कहीं भी लेके जाओ, जहाँ मन करे वहाँ बैठ के खेलो, जो मन करे वो करो। हाँ भाई वो तो मैं ना सुबह वॉश में भी गेम खेलता हूँ। हाँ रौनक सही कह रहा है, पर्सनल पर्सनल ही होता है। हाँ तो मम्मी का फोन है तो क्या बात होगी, मैं भी कहीं भी ले जा सकता हूँ उसे। भाई वॉशरूम में फोन लेके जा सकता है? हाँ लेके जा सकता हूँ। स्कूल में? स्कूल में तो रूल्स के खिलाफ है ना, अलाउड ही नहीं है, तो स्कूल में क्या काम फोन का, कौन लेके आता स्कूल में? मैं लेके आया था भाई स्कूल में फोन, याद है ना जब हमने फोटो खींची थी वहाँ पे? हाँ लाया था, मुझे भी दिखाया था। अच्छा तो ये तो निकम्मा है, मैं थोड़ी ना हूँ, मैं थोड़ी लेके आऊंगा। देखा ना फटगी, स्कूल में फोन तक नहीं ला सकता, कह रहा मम्मी का फोन मेरा ही है। ओ ऐसे लाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और फटी वटी नहीं है मेरी, समझा, ऐसी बात है तो ले भी आऊंगा। हाँ तो ले आई हो ना गर्ल फोन, लाके तो दिखा, लगी शर्त? लगाना शर्त? अरे सुमित लगा लेना। लगी शर्त? देख अगर तू कल फोन ले आया तो इन सबको पार्टी मैं दूंगा, और अगर तू कल फोन नहीं लाया तो इन सबको पार्टी देगा तू। ठीक है डन, तो पार्टी के लिए रेडी हो जा कल। सही है गुड्डू, चाहे रौनक जीते चाहे सुमित, हमें तो पार्टी मिलनी है। सही है बेटा, एक बार लाके तो दिखा तू फोन, इसने मुझे फंसवाया था ना, कल देखियो सर से पिटवाऊंगा। मम्मी को कैसे मनाऊंगा, देख लूंगा। यही सही मौका लग रहा है मेरे को, मम्मी का फोन अभी दुबका लेता हूँ। मम्मी है भी नहीं आसपास, स्विच ऑफ कर देता हूँ इसे। हट जा सुमित। अरे क्या ढूंढ रही हो मम्मी? क्या है मम्मी, क्या मेरा फोन रखा था यहाँ पे, देखा है क्या तूने? कहाँ रख दिया? मैंने नहीं देखा, और कोई फोन नहीं था यहाँ, इतनी देर से पढ़ा तो हूँ मैं। अच्छा पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। अच्छा चल मैं पड़ोस में जा रही हूँ, ठीक है अभी आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जाओ, फोन के बिना नहीं जाया जाता मम्मी से भी, वहमी हो गई है बेफालतू में। चली गई क्या? अभी इसको फटाफट से जाके बैग में रख लेता हूँ ताकि कल स्कूल में लेके जा सकूँ। सही है स्विच ऑफ ही रखूंगा इसको। सुमित
जाइयो और पढ़ाई पर ध्यान दियो। लाया तो आईफोन भाई, फोन कैसे लेके आएगा? इसकी मम्मी ने फोन थोड़ी ना दिया होगा। मुझे पता था कि ये फेंक रहा था। लड़की क्या क्या बाबा जी कर रहा था कल, पता था मुझे पहले से। फैटू चंद, तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं बोल गए? आईफोन डीप पर्पल 1 TB भाई, मेरे को इसमें पबजी खेलने देगा? अरे खेल लियो भाई, मेरे को भी 90 Hz में पबजी खिला दे। इधर दे, हाथ मत लगा दियो इसको, समझा? तो कहा था तेरी आईफोन चलाने की। सही है गाइस, अब हम तीनों मिलके खेलेंगे एक ही ग्रुप में। कोई नहीं, तुम दोनों खेल लेना। भाई तुम खेलो, मैं जब तक वॉशरूम होके आता हूँ। हाँ जा, फोन देख के सूसू निकल गई। कल सुमित ने मेरे को फंसवाया था ना, आज उसकी बारी है। अभी जाता हूँ सर के पास, सर को बताता हूँ वो स्कूल में फोन लेके आया। सर आएंगे, पहले उसे मारेंगे, फिर उसका फोन जब्त होगा और उसके बाद घर जाके वो अपनी मम्मी से पिटेगा, फिर आएगा मजा। सर सुमित ना स्कूल में फोन लेके आया है। फोन लेके आया है? फोन नहीं, आईफोन। आईफोन वो भी 14 Pro Max। 14 Pro Max 1 TB 1 TB डीप पर्पल सर, डीप पर्पल। कमीना, मैं नोकिया 1300 चलाता हूँ और ये चलाता है 14 Pro Max, वो भी 1 TB। इसको तो मैं बताता हूँ, कहाँ पे है सुमित? सर क्लास में है, वो फोन आप छीन लो फिर वो आपका हो जाएगा। चल चल चल। सर ये बैठा सुमित, ये लेके आया है। और इसने सर को बता दिया? सुमित फोन लेके आया, इसको तो मैं बताता हूँ, चल तू। खड़ा हो सुमित। सर मैं कुछ नहीं लेके आया। बोला ना खड़ा हो। सर सच में मेरा यकीन करो। इसको बोला ना खड़ा हो। फोन का है? नहीं है सर मेरे पास कोई फोन। सर इसकी चेकिंग करो। सही बोला। सर इसकी जेबों को देखो, जेब पॉकेट। सर पीछे भी है एक जेब। नहीं है यहाँ पे तो। सर इसका बैग। इसमें तो नहीं है सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा था इसके पास फोन, और मैंने क्या इन दोनों ने भी देखा था। भाई कौन सा फोन? फोन होता क्या है? हाँ सर मैं कह रहा हूँ ना, ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है। और मैं क्यों फोन लेके आऊंगा सर? आपको पता है मैं कितना संस्कारी बच्चा हूँ, मैं ऐसे काम क्यों करूंगा सर। हाँ हाँ बैठ जाओ सुमित। ठीक है सर, खड़ा हो। समझ नहीं आती तेरे को, कितना झूठ बोलेगा निकम्मे, सुधर जा। ना पढ़ाई में ठीक है, ना किसी चीज में ठीक है। और बोल रहा पॉकेट चेक कर लो, कभी सर ये चेक कर लो, वो कर लो। मुझे नहीं पता, तेरे को बताया था ना मैंने कि नाक से रीट की जगह क्या निकलेगा? खून। तो पढ़ाई में ध्यान लगा ले, ठीक है ना? भाई झूठ कम बोला कर। क्यों बोलता है झूठ? क्यों बोलता है तू झूठ? वैसे ही झूठ बोलता रहता है। चल मैंने तो झूठ बोल दिया, लेकिन तू ये बता, जो तू फोन लेके आया था वो तेरा छुपाया कहाँ है? भाई कहीं भी छुपाया हो, लेकिन ऐसी जगह छुपाया है ना, तू तू क्या पूरा स्कूल का स्टाफ भी लग जाएगा ना, तब भी नहीं ढूंढ सकता। भाई बता दे। नहीं बताऊंगा, दम हो तो ढूंढ लियो। मेरे को फंसाएगा, चलाक बना रह जाता है। ओए इससे पार्टी भी तो लेनी है, पार्टी दे। हाँ ले लेना। हाँ तो कब है? अभी देना पार्टी, चल चल पार्टी दे। छुट्टी का टाइम ले लेना। छुट्टी का टाइम? ओए याद रखियो छुट्टी के टाइम पार्टी लेनी इसे। ठीक है भाई। शर्त लगाएगा मेरे से? छुट्टी के टाइम भाग जाऊंगा चुपचाप। हाँ कुछ नहीं भाई, पढ़ ले कबड्डी। क्या कर रहा है तू? बकवास कर रहा भाई, एक अच्छा सा गाना सुना देना। अरे सुना दूंगा रुक जा। एक मेरे लिए भी। ठीक है सुन लेना। कहाँ चलती सवारी? सुसु। कोई सुसु नहीं, चुपचाप खड़ा हो यहाँ। और हाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? इस पे नजर रखो, अगर ये हाथ से निकल गया और इसने जाके सर को बता दिया, फिर से फोन तो गया ना हाथ से, पता इससे हमें कितना खतरा है।
इसको यहाँ से हिलने मत दो। हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, तू कहता है तू रेलिंग पे बांध दू। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बस आंखें गड़ा के रखो इस पे। अबे दोनों इस पे क्यों गाड़ रहे हो आंख, एक इधर उधर भी देख लो क्या आप सर आ जाए। भाई जा रहा है। अरे पोजीशन चेंज कर रहा हूँ यार। छुट्टी होगी भाई, बैग पैक कर लो जल्दी। कहाँ जा रहा है, पार्टी देनी है तेरे को। हाँ चल। फंस गया यार। चल खड़ा। चल अब पार्टी दे, पार्टी बोला था ना छुट्टी के टाइम दूंगा। हाँ दे रहा हूँ, चलो। क्या खिलाएगा वैसे? दो कहोगे? हाँ शर्त लगा रहा है मेरे से। चल चल पार्टी 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 पार्टी। अच्छा भाई रुक जा एक बार, पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टी लेनी कहाँ है। क्यों भाई? हाँ हाँ भाई गुड्डू बता कहाँ खाएगा, कैंटीन में? भाई कैंटीन में तो रोज ना खाते हैं, आज कोई अच्छी जगह चलते हैं बाहर। हाँ कैफे या रेस्टोरेंट में चलते हैं। सही कह रहे हो, कैंटीन का तो रोज ही खाते हैं, आज बाहर खाएंगे। चले एक बार खिला कुछ। भाई देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर तुम्हें कैंटीन में दो दो समोसे खाना है तो बोलो, वरना मैं नहीं दे रहा पार्टी, जा रहा हूँ। ओहो पार्टी नहीं दे रहा तू? भाई पार्टी वार्टी छोड़ो, उधर देखो ये तो प्रिंसिपल मैडम और सर है ना। ये तो मैम और सर के सर पे किसी ने गन रखी हुई है। मुझे लग रहा है ये ना चोर पुलिस खेल रहे हैं। ओ मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद अकेले अकेले चोर पुलिस खेल रहे हैं। चलो जाके पूछते हैं। मैडम सर तूने तो कहा था स्कूल की छुट्टी हो गई है, ये चूहे कहाँ से आ गए? सर पता नहीं स्कूल की तो छुट्टी हो गई थी, मुझे लगा सारे बच्चे भाग गए होंगे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गए। मैडम चोर पुलिस खेल रहे हो क्या? हमें भी खिला लो। अरे बच्चों हम यहाँ पे कोई चोर पुलिस नहीं खेल रहे, भागो यहाँ से। भाग जाए क्यों भाई साहब? एक बार बंदूक दिखाना। भागोगे या फिर गोली मारू तुम्हें? भागो यहाँ से। जा रहे सर जा रहे। ये लो भाई साहब, थैंक यू। अरे सर हमें दिमाग नहीं है क्या, बंदूक ली थी तो वापस क्यों करी आपने? सॉरी मैडम अभी लेता हूँ भाई साहब, एक बार फिर दिखाना। अबे चुप चुप एकदम, मजाक चल रहा है यहाँ पे, तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? अबे जाके पकड़ बच्चों को, अगर बच्चों ने बाहर जाके कुछ बोल दिया ना हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इधर दे इसको। ठीक है सर। बच्चों भागो। अरे ये हमें पकड़ नहीं आ रहा है, भागो। ओ भाई प्रिंसिपल मैडम और सर कोई चोर पुलिस नहीं खेल रहे थे, वो तो सचमुच का चोर पुलिस चल रहा था, वहाँ कोई वो गुंडे वगैरह थे जिन्होंने सर और मैडम को पकड़ रखा था। मुझे तो लग रहा है मैम और सर ना किसी बड़ी मुसीबत में है। मैम और सर नहीं हम भी मुसीबत में है। हम कैसे? वो देखो बच्चों, चलो एडवाइस लग जाओ। हाथ ऊपर, असेंबली डिसमिस। चलो यार, बेफालतू में फंस गए हम तो। वैसे ये झमेला क्या है तेरे को पता है कुछ? भाई पता तो मेरे को भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये जो किडनैपर अंकल है ना, ये मैम के ना प्रिंसिपल मैम के लवर है, उन्होंने मना कर दिया होगा शादी करने के लिए। अरे लड़के वाला दिमाग ही चलेगा तेरा, कुछ भी फालतू की बकवास। अरे भाई साहब आप एक बात बताओ, ये सब चल क्या रहा है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, हमारा हो चुका दिमाग खराब। चुप है, पिलान भर के बच्चे और मुंह देखो कितना चलता है, एक के मुंह से भी आवाज आ गई ना तो गोली मार के हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। हमें तुम्हारी प्रिंसिपल से मतलब है, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए चुपचाप शांत बैठो वरना यहीं ठोक के चले जाएंगे।
किडनैपर अंकल, मैं तो लड़की हूँ, मुझे खोल दो प्लीज। अच्छा आप लड़की हैं तो पहले आप ही को ठोक दूँ? नहीं, मारने के लिए तो ना बोला है। सारे लड़के एक जैसे होते हैं क्या? देख प्रिंसिपल, अभी भी समझा रहा हूँ, चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दे। अभी तो पैसे दे रहे हैं तुझे, लेकिन बाद में अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी जैसा तुम सोच रहे हो। ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। वही ढीट, तेरा ये ढीट पना है ना, इससे बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी बात मान जा, और देख अभी तो बच्चे भी हमारे कब्जे में, अगर उनके साथ हमने कुछ कर दिया तो बच्चों का फ्यूचर तो अब भी खतरे में है ना। सोच ले, बैठा हूँ तेरे सामने, टाइम दे रहा हूँ तुझे, अभी सोच। नहीं का मतलब नहीं, तुझे जो करना है तू वो कर ले, लेकिन मैं इन पेपर्स पे साइन बिल्कुल नहीं करूंगी। ऐसे नहीं मानेगी ना तू? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जब तक साइन नहीं करेगी ना तब तक नहीं छोड़ूंगा तुझे। आज थका दिया यार बच्चों ने तो आज। वैसे ये बच्चे बंधे हुए हैं, एक काम करता हूँ बाहर जाके अपना चश्मा ढूंढ लेता हूँ, पता नहीं कहाँ गिरवा दिया इन बच्चों ने। हमें अकेला छोड़कर ये कहाँ चला गया? यार इतने बेखौफ गुंडे कैसे हो सकते हैं इस दुनिया में? अगर हम चले गए या तो भाग भाग गए, उनको सोचना चाहिए, थोड़ा हमारी पहरेदारी करनी चाहिए थी। सही कह रही है, मिल्खा सिंह है तू तो, है ना? बाकी भाई मैं अपने मुंह से खोलने का ट्राई करूँ? ले कर ले ट्राई। ओए मोटे कुर्सी मत तोड़ दियो, कुर्सी हमारे स्कूल की है। नहीं खुलेगी यार। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ मेरे बैग में ब्लेड पड़ा है, उससे रस्सी को काट सकते हैं। बैग से निकालने की ट्राई करता हूँ। ब्लेड मिल गया। एक काम कर, जल्दी से मेरे हाथ खोल दे। अच्छा ज्यादा सियाणी बन रही है लड़की है तू, मुझे पता है जैसे ही हाथ खोलेंगे भाग जाएगी। अपने खोलूंगा भाई, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर भाई, हल्का सा, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। थोड़ा सा और ऊपर, 90 डिग्री पे लेफ्ट। काट रहा तो 90 डिग्री का पता है? हाँ तुम्हें तो हर बार फील होता है। भाई कट गया, भाई हाथ खुल गए। भाई हमारे पास जल्दी से। अरे पहले पैर तो खोल लेता हूँ, उसके आने से पहले निकल जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, उसके आने से पहले फटाफट निकल जाते हैं, ठीक है? नचा देंगे ये तुमको नाच, ओ देखो आए बुकरे बॉय। ओए रास्ता खाली है, आ जाओ। यार यहाँ से तो निकल गए, लेकिन अब छुपेंगे कहाँ? प्रिंसिपल मैम को भी तो बचाना है। बच्चों मेरे पास एक तरकीब है। हाँ बताओ। केमिस्ट्री लैब में छुपते हैं, वहाँ पे ना खाने बनाए हुए हैं, वहीं छुप जाएंगे आराम से। सही कह रहे हो सर, केमिस्ट्री लैब में कोई शक भी नहीं करेगा, और आ भी गया तो केमिकल मारेंगे मुंह पे फेंक के। हाँ चलो चलो बच्चों। जगह तो सही लग रही है, यहाँ तो सेफ लग रहे हैं, इन डब्बों में बैठे रहेंगे। हाँ हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे रहो। सर सर आप एक काम करो ना, आप पुलिस को फोन कर लो, ऐसे वो काबू नहीं आने वाले। और कब तक यहाँ छुपे रहेंगे, प्रिंसिपल मैडम भी तो उनके कब्जे में है ना, उनकी जान को भी तो खतरा है, तो पुलिस को फोन करो। हाँ मस्त प्लान है, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। वो क्या है ना बेटे, मेरे पास फोन नहीं है, वो दोनों गुंडे ना उन्होंने छीन लिया फोन, मेरा भी और प्रिंसिपल मैम का भी। क्या मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? निकाल लेना फोन अपना।
पागल हो गए हो? सामने सर बैठे हैं और सर ने देख लिया ना तो सर बेफाल तुम्हें छीन लेंगे और फिर मारेंगे अलग से, तो मैं नहीं निकाल रहा। और फिर निकाल लेना। ना ना मैं नहीं निकालूंगा। अरे भाई सर मारेंगे नहीं, इनकी तरफ कोई नाम देंगे, प्रिंसिपल मैडम की जान तो बचाएगा तू। बात तो तू सही कह रहा है, क्या पता सर मेरे को इनाम दे दे। ठीक है तो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या हुआ सर, आप ऐसे आंखें क्यों बंद कर रहे हो? अरे सुमित पैंट उतार रहा है अपनी, बेशरम बच्चा। अबे सुमित तेरे को फोन निकालने के लिए बोला था, पैंट निकालने के लिए नहीं। पैंट कौन निकाल रहा है, मैं तो फोन ही निकाल रहा था, अभी पुलिस को मिलाता हूँ। फोन निकाल रहा था, तेरे पास फोन कहाँ से आया? सर देखो मैं सच बोल रहा था, इसके पास फोन है। हाँ बिल्कुल सही बोला तूने, सॉरी बच्चे, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगा। सर सर मेरे पास फोन जरूर है, लेकिन आप इसके नुकसान नहीं इसके फायदे देखो ना, आप ये मत सोचो मैं स्कूल में फोन लेके आया, आप ये देखो कि इस फोन का फायदा कितना होगा। मैं पुलिस को फोन कर दूंगा, हमारी जान बच जाएगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, पता नहीं किस आपदा में फोन काम आ जाए, तू आज फोन लेके आया ना बहुत अच्छी बात है, सीख ले उससे कुछ। अगर आज मैं उससे फोन छीन लेता ना तो हमारे काम नहीं आता फोन, ये फोन भी उनके पास ही होता, और आज के बाद ना किसी की शिकायत लगाने मत आजियो मेरे पास। ओह नो बेटे तू पुलिस को कॉल कर। हाँ अभी कॉल लगाता हूँ सर पुलिस को। अरे सर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे, कॉल ही नहीं लग रही पुलिस को। ओह शिट, मैं तो बताना ही भूल गया बेटे तेरे को, यहाँ पे तो नेटवर्क आता ही नहीं है, मैं पूरे पूरे दिन यहीं पे बैठा रहता हूँ। मुझे पता है नेटवर्क कहाँ पे आता है। कहाँ पे? चलो मेरे साथ, बाहर जाना पड़ेगा सर, फंस जाएंगे। अरे बाहर चलो। ठीक है सर चलो। ये बच्चे कहाँ भाग गए? बॉस को फोन करता हूँ। किसका फोन? हाँ बोल मुकेश। बॉस बच्चे भाग गए। क्या वे खदे के औलाद, उसे चार बच्चे नहीं संभले, जाके ढूंढ उनको, अगर वो बाहर निकल गए ना तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जा ढूंढ। तो फोन कर रहा है बेवकूफ। ठीक है बॉस अभी ढूंढता हूँ। तेरे बच्चे और तू बहुत ढीठ है, लेकिन आज मैं भी ना कसम खा के बैठा हूँ तुम्हारा ढीठपना निकाल के छोड़ूंगा, तू देख। आएगा बेटा पक्का नेटवर्क आएगा, क्योंकि मैं यहीं पे बैठ के तुम्हारी मैडम को मैसेज करा करता था और यहीं से मेरी लव स्टोरी चालू हुई थी, यहीं खत्म भी हो गई। भाई आ गया। अरे नहीं आया भाई। भाई नेटवर्क नहीं, वो आ गया। दिमाग कौन है? अबे ये यहाँ कैसे आ गया? सुहा दिए ना सर, बेफालतू में यहाँ ले आए, सही छुपे हुए थे वहाँ। अब क्या करें? अब करना क्या है, मैं तो कहता हूँ यहाँ से भागो। अच्छा भागो। हे बना कुछ मन? हाँ बना ना। तो साइन करना जल्दी ले। साइन ना करने का मन बना है। अरे यार बहुत देर हो गई, अब तक फोन क्यों नहीं आया उसका? मैं फोन करके देखता हूँ। स्विच ऑफ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? नहीं नहीं शेर तेज है हमारा, नेटवर्क नहीं आ रहा हूँ फोन में, कर लेगा अभी फोन। चुप हो जा वरना कोनी मारूंगा मेरे शाले के। तू बोल रहा
यार एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब चल क्या रहा है? दिमाग खराब हो रहा मेरा और ज्यादा। इसी से पूछ लेना भाई, बताएगा। बकदेव बता क्या बात है? हमें तो तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, हमें तो तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम चाहिए थी। क्यों? हम दरअसल इस स्कूल की जमीन पर एक मॉल बनाना चाहते थे, 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम मान ही नहीं रही थी, इसीलिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ा। अच्छा, मतलब तुम ये स्कूल की जमीन खरीद के इस पे मॉल बनाना चाहते हो? हाँ और क्या, लेकिन इससे तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं था, तुम तो जा सकते थे। मतलब क्यों नहीं होगा, हमारा स्कूल है। फीलिंग जुड़ी है स्कूल से। एक काम करो, मारो इसे। बॉल बचाओ, वो मुकेश फंसवा देता अभी। ओए तुम लोग इधर आओ, ये ना ऐसे काबू में नहीं आने वाले, इनको पुलिस ही काबू में कर सकती है। और मैं अब चुपचाप से जाता हूँ बाहर और पुलिस को फोन लगा के आता हूँ, ठीक है? जब तक तुम इसका ध्यान रखना, ओके? हे, क्या किया तेरे बच्चों ने उसके साथ? मुझे क्या पता, मैं तो तेरे सामने बैठी हूँ। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? जाके देखता हूँ, लेकिन अगर चला गया तो ये हाथ से निकल जाएगी और तू मेरा मेन टारगेट है। बहुत हो गई ध्यान से बात, अब एक्शन टाइम। चल खड़ी हो, चल खड़ी हो, चल छोड़ मेरा हाथ। चल तेरे स्टूडेंट ज्यादा हीरो बन रहे हैं ना, अभी निकालता हूँ ये हीरो बनती। चल चल छोड़ दो ना, छोड़ो। अरे आ सुनो बे, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं छुपे हुए हो, चुपचाप बाहर आ जाओ, तो तुम्हारी जो प्रिंसिपल है ना उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बच्चों बाहर मत आना। चुप, 10 तक गिनूंगा, अगर 10 तक गिनती में बाहर नहीं आए तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रुको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खोल इसको। क्यों खोलूं? हाँ पागल समझ रखा है, हमारी प्रिंसिपल मैडम को थोड़ी देर पहले, फिर खोल देंगे तेरे चमचे को। अच्छा हाथ खोलता है भाई, खोल दो। मैडम का भेजा उड़ा देगा ये तो पागल आदमी। बस बस इन्होंने सबने मेरे को मिलके मारा, और ये गिट्टा मास्टर इनका, इसने तो उतर उछल के मारा मेरे को। मैंने कब मारा, मैंने कब मारा? हराम खोर, बच्चों से पिट के आगे शर्म नहीं है तुझे? तू बहुत हो गया तुम सबका, गंदे इधर। गंद देता है या गंदे? और तुम सब बच्चे बहुत टाइम खोटी कर ली तुमने मेरी, अब कोई बोला ना तो ठोक दूंगा, समझे? और प्रिंसिपल तूने भी बहुत नौटंकी कर ली, अब वो होगा जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, समझी? चुपचाप साइन कर इस पे, समझी? चल मैं नहीं करूंगी। अच्छा अब भी नहीं करेगी साइन? बोल चुपचाप साइन कर इस पे। ऐसे तो ये मैडम से साइन करवा लेगा, मैडम को दबाव में आके साइन करने पड़ेंगे, और पुलिस वाले अंकल तो पता नहीं कब आएंगे। जब तक वो आ रहे हैं तब तक हमें इनका टाइम खराब करना पड़ेगा ताकि वो आ जाए, ठीक है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पेन दे। बच्चे स्कूल में, इनके पास पेन होगा ना? पेन दो। पेन ही नहीं लेके आए? हम तो पेंसिल यूज करते हैं। मैं भी नहीं लाई आज पेन। हाँ लेकिन पेन है ना पुलिस स्टेशन में रखा होगा, क्योंकि वो FIR लिखते ना, मैं अभी जाके लेके आता हूँ, ठीक है? ओए रुक, ये जेब में क्या है, निकाल इसको बाहर। क्या जेब में क्या हुआ? पेन जेब में था, देखा ही नहीं मैंने तो। बैग में नहीं रख सकता था? इधर दे ना, इधर दे। ये मेरे को क्या पता था जेब में रह गया, वैसे मेरा तो 2 रुपए का पेन चला गया यार। चल साइन कर, कर कर साइन। मैडम साइन कर रही है, कुछ करना पड़ेगा।
भाई साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ साइन से पहले। पता है अंदर से उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है वो क्या है ना, सवाल पेट में पच नहीं रहा और उल्टी कह दूंगा मैं आपके ऊपर, देख लो। सवाल पूछने दो, चल चल पूछ जल्दी पूछ। हाँ तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपकी क्लासिक गन दिख रही है ना, इनमें कितनी गोलियां डलती हैं? ये मेरी वाली में 6 और बॉस वाली ऑटोमेटिक है, इसमें 7 डलती हैं। ओ 6 7 छी यार, कितनी घटिया गन लेके घूम रहे हो। आपको पता है मैं PS5 खेलता हूँ और उसमें GTA में मेरे पास जो गन है ना उसमें 600 गोलियां लोड होती हैं घटिया गन से। ए चुप 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 एकदम। ए शक्ल क्या देख रही है, चल साइन कर। अरे अंकल मैं पूछ रही थी, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, आप साउथ दिल्ली से हो क्या? हैंडसम लग रहे हैं ना? नहीं। अरे नहीं यार, पर्सनैलिटी नहीं देखी हमारे बॉस की, मुंबई से है, मुंबई के बहुत बड़े डॉन है। हाँ यार मैं तो कह ही रहा था साउथ दिल्ली के ऐसे थोड़ी ना हो सकते हैं, मुंबई के है। देखो तो बिल्कुल एकदम एक्टर वाला फेस, एक्टिंग स्किल्स देखो इनकी, शाहरुख खान सलमान खान सब। अरे बस शांत हो जाओ। हे प्रिंसिपल चल साइन कर जल्दी। अरे अरे बेटा मुझे भी एक सवाल पूछना था, तुम लोग कितना पढ़े हो? 10वीं फेल हैं जी। अच्छी 10वीं फेल हो, एक काम करो ना यहाँ से ना 11वीं 12वीं ओपन से कर लो, 10% छूट दे दूंगा फीस पे। सही कह रहे, हमारे साथ बैठ जाना। अरे मैं आपका एडमिशन कर दूंगी। लो अब तो प्रिंसिपल मैडम भी मान गई। पास भी हो जाओगे आप। अब बस फटाफट से अपना ड्रेस का साइज बता दो दोनों, बताओ। चुप बहुत ड्रामा होगा तुम सबके, चुप। तू शक्ल क्या देख रही है मेरी, चल साइन कर इस पे जल्दी कर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे देश का नेशनल बर्ड कौन सा है? मुर्गा? नहीं नरेंद्र मोदी। कॉमेडी चलती है कॉमेडी। एक मिनट सबने पूछ लिया, भेदभाव हो जाएगा, इस बेचारे का भी एक तो बनता है। भाई जो आपके बाल है आपने कितने दिनों में लंबे किए थे? इम्पोर्टेंट बात है ये तो बतानी पड़ेगी। ये मान के चलो यही कुछ 6 महीने में। अच्छा 6 महीने में हो गए थे इतने लंबे? हाँ। आप डेली शैम्पू लगाना पड़ता होगा ना आपको? नहीं वही कुछ हर तीसरे दिन में। भाई तू धो दिया करना। हाँ मैं धो दूंगा, कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? मेरे को भी ना थोड़ा शौक है लंबे बालों का। पतंजलि का आता है ना आयुर्वेदिक, वही वाला। अच्छा वो तो बहुत बढ़िया शैम्पू, मैं वही यूज करता हूँ, मस्त है। चुप तू एक काम कर, इनको अपने कच्चे का साइज भी दे दे। तू बहुत ड्रामे होगा तुम सबके, अगर आप कोई बोला ना सवाल जवाब चुटकुले ठोक दूंगा समझे, छोटे वाले चुप रहे तू। साइन कर। ओए अरे पुलिस अंकल आ गए। पहली बार किसी पुलिस वाले ने ना सही टाइम पे एंट्री मारी है। बस पुलिस पुलिस कहाँ से आ गई? तूने सबके फोन निकाले थे? सबके फोन निकाले थे तूने? हाँ फोन तो निकाल लिए थे। अबे बेवकूफो तुमने टीचर्स के तो फोन ले लिए, बच्चों से फोन कौन लेगा, ये तो भूल गए ना। बच्चों के फोन कौन निकालेगा? अबे हटो मुझे नहीं खेलना यार, एक बात बताओ मेरे को कौन सा स्कूल है जहाँ बच्चे फोन लेकर आते हैं? अरे वाह पुलिस वाले अंकल क्या एंट्री मारी आपने, एक नंबर। लेकिन एक बात बताओ आप अकेले क्यों आ गए, पुलिस फोर्स कहाँ है पूरी? तूने तो बोला था बस 2 गुंडे हैं, 2 के तो मैं अकेला काफी हूँ। ओ पावर। अरे कौन से हैं वो तो बता, ये दोनों है क्या वो? हाँ यही है वो दोनों। अच्छा हाँ, अच्छा ले जाओ अंकल ले जाओ। बाय। हाँ ले जाओ अगले साल जरूर छोड़ देना क्योंकि एडमिशन भी तो करना है इनका ओपन से। हाँ मैडम जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी ना सर। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ। अरे सर आप अपने क्यों मार रहे हो? अरे आपके चोट लगेगी तो मैडम मेरे भी तो लगेगी ना। लव बर्ड्स। इलू इलू। वैसे ये फोन किसका था? मेरा मैडम, मेरा था फोन। लगता है इनाम देंगी मैडम। इनाम दोगे ना मैडम? हाँ बेटा इनाम दूंगी, इधर आ। यार अभी कैसे, अभी तो कोई फंक्शन भी नहीं है, फंक्शन पे दोगे ना इनाम तो? स्कूल में फोन क्यों लेकर आए?